ये हसी वादिया ये गुलासमा आ गए हम कहाँ। मेरी गाना सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं बैंगलोर में ही हूँ और हम सब जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए। वेदर तो बैंगलोर का ऑसम है, सो हम लोग फॉरम मॉल जो न्यू खुला है वेलकम सिटी वहाँ गए थे क्योंकि अर्जुन का स्कूल खुलने वाला था और अर्जुन को इस बार हम लोग कहीं वेकेशन पे लेके नहीं गए थे। सो उसने बोला था कि मुझे कहीं जो किड्स प्ले एरिया होता है वहाँ लेके चलो, तो हम लोग वहाँ गए और फैल्कन सिटी में बहुत ही बड़ा सा मतलब किड्स के लिए बनाया गया है प्ले एरिया। तो यहाँ अर्जुन एंजॉय कर रहा है, उसने बहुत ज़्यादा मज़े किए और हम अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे जो फैमिली फ्रेंड है उनके साथ गए थे। सो उनके बच्चे और अर्जुन सब ने मिल के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप देखिए कि ये लोग क्या क्या किए हैं और ये जो है ये टॉय ट्रेन टाइप है जो कि काफ़ी छोटे बच्चों के लिए है, बट अर्जुन और जो मेरे फ्रेंड के का बेटा था वो दोनों इस पे बैठना चाह रहे थे, बट जब बैठ गए तो उन लोग को ऐसे लग रहा था हम क्यों ही बैठे इसमें, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा हो रही थी अकॉर्डिंग मीन्स कि ये जो कार टॉय है ये इसमें छोटे बच्चे बैठते बेसिकली। सो अर्जुन के सर पे देखो यहाँ पे लग रहा है, बाद में वो मुंह बना रहा था कि मैं ये इस पे क्यों बैठा। सो चलिए देखिए, इस पर बैठने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी बच्चों को, इनकी हाइट ज़्यादा थी ये छोटे बच्चों के लिए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मज़े करे और इसके बाद तो इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी करी थी। सो जब हम वेगा सिटी गए थे तो वो इस टाइप का था, बट वो पानी का जहाज़ था तो उस पर तो अर्जुन ने बहुत ही मस्ती करी थी, वो भी अच्छा था। उसके बाद था ये जिसमें ये ग्लासेस थे और इसको टारगेट करके इसको मारना था, बट ये कुछ ऐसा इन लोगों का बनाया हुआ रहता है कि आपसे वो टारगेट आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, वो हज़ार में कोई दो चार ही लोग होते हैं जो इसको कंप्लीट मतलब इसको टारगेट को अचीव कर पाते हैं और ये गिफ्ट ले पाते हैं। सो हम मैं भी खड़े होकर देख रही थी और जब मैंने इसका बॉल टच किया ना तो इसके बॉल में सैंड जैसा कुछ हेवी सा भरा हुआ था जो कि वो सपोर्ट ही नहीं करता, जंप करके वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो मतलब स्ट्रेट टारगेट करना था। देन इसके बाद ये दोनों बच्चे आ गए थे यहाँ पे खेलने के लिए और यहाँ भी इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे मैं हूँ जो मैं यहाँ पे थोड़े से रील्स बनाने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं हो पाया। और यहाँ अर्जुन दूसरी एक्टिविटी में गया हुआ है जिसमें बहुत सारे बॉल ऊपर से जैसे बारिश हो रही थी बॉल की और उसको कलेक्ट करके इस होल में डालना था। सो ये भी इसने इन्जॉय किया, बहुत ही इन्जॉय किया और इसको बहुत मज़ा आया। आपको अगर कभी बच्चों को कोई एक्टिविटी कराने के लिए जाना है और बच्चे बोर हो रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्ले जोन एरिया है बच्चों के लिए और बहुत सारी एक्टिविटी है इसमें। दो तीन चीज़ें ऐसी भी है जो बड़ों के लिए है, वो आगे आप देखेंगे। सो कुछ कुछ एक्टिविटी मुझे तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा था। सो जैसे ये वाला मीन्स इसको तो देख के मुझे डर लग रहा था, ये बड़े बच्चों के लिए बड़े एडल्ट के लिए था, बच्चों के लिए नहीं एडल्ट के लिए था।
इसको जो बनाया है ये फैल्कन सिटी फॉरम मॉल बहुत ही अच्छा, ये झूले की बात मैं कर रही थी कि ये एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ईजी है, हमें भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन जैसे ही हम इसमें बैठे ओ गॉड ओ माई गॉड, मीन्स कि बस ऐसे कि लग रहा था कि प्राण निकल जाएगा, मीन्स कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत बहुत, मैं तो इतना चिल्ला रही हूँ, सुनिए आप। अर्जुन ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं तो नहीं बैठा इस पर, वो नहीं बैठा था, बाकी हम सब बैठे थे, और बल्कि जो छोटे बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं ना, ये काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और हमारी तो बस मत ही पूछो क्या हालत हो रही थी, बस बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मीन्स झूला देख के आप ये भी कह सकते हो कि बड़ा ईजी है, बस बैठोगे तो ऐसे लग रहा था कि हम तो बस फिका जाएंगे, बाहर मॉल के बाहर ही जाके गिरेंगे। डर के साथ ये भी है कि हमने इंजॉय बहुत किया, और हम बहुत चिल्लाए और बहुत मज़े करे, और लोग खड़े होके देख रहे, देखिए बहुत सारे लोग खड़े थे, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा तो हमारी फैमिली लोग ही थी, बट फिर भी लोग आके खड़े थे, हम लोग इतना चिल्ला रहे थे, और बड़ा मज़ा आया। मैंने इसके बाद ये वाली एक्टिविटी करी थी, ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, अर्जुन कई बार किया था, मैंने नहीं किया है, तो ये बच्चों के लिए ही, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी, तो ये जो इसको हेड पे लगाते वो मेरा सेट नहीं हो रहा था, तब अब भी सेट हुआ है, और ये भी मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत, ये ना हाथ ऐसे आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट उसमें वो होता है, मीन्स के हाथ रखने से पॉइंट मिलता है, ये भी करके बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा, बच्चे भी किए थे और मैंने भी किया था। आफ्टर 3 आवर्स हम लोगों को सारी एक्टिविटी करने के बाद बच्चों को और हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोग उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे जो फूड कोर्ट एरिया है, और यहाँ भी खाने का काफ़ी 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 चीज़ें थी खाने की, मीन्स कि सब कुछ ही था,
सो हम लोग एक्चुअली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। और ये मैं मॉल का कुछ क्लिप ले रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया था, बहुत सुंदर बनाया है। और ये हम लोग सबसे पहले मोमोज़ ले रहे थे और हम लोग को इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने कुछ ही शॉट्स लिए थे, उसके बाद हम खाने पे कंसंट्रेट कर रहे थे। सो यहाँ हमने कुछ मोमोज़ हम ऑर्डर कर रहे थे, तब तक मैंने ये शॉट्स लिया था। यहाँ मैं ये वाले मोमोज ट्राई कर रही हूँ, सो काफ़ी अच्छा था। वैसे भी वाव मोमोज़ का मोमो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होता है। सो सारे मोमोज ही ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं। हमने वेज भी और चिकन मोमोज भी ट्राई किया था, सो बहुत ही अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ का तो वॉशरूम भी बड़ा ही अच्छा था और बहुत ही क्लीन था। तो जब मैं यहाँ आई तो चूँकि ये नया बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत डेकोरेटिव है। और मॉल जो है नीचे लुलू मॉल का शॉप भी था, सो वहाँ भी हम गए। और देखिए ये जो पर्पल ट्री बनाया ना, ये तो एक ऐसे लगता है जैसे फेरी लैंड में कुछ बनाते हैं ना, कलरफुल सा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये मुझे बहुत काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। और इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर पाऊँ, बट मैंने काफ़ी कैप्चर करने का कोशिश किया। ऊपर से नीचे आते आते मैंने काफ़ी कैप्चर किया है। सो आप देखिए इसके बाद हम लोग एक दो शॉप में गए थे, जिसमें लुलू शॉप में भी गए थे क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।